हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंसोमनिया स्टूडियोज। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कौन सा बेस्ट पीसी या लैपटॉप है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेरे को काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर आपका जो पीसी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या फिर आप हमें सजेस्ट करिए कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, बेस्ट पीसी है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए। काफ़ी कमेंट्स मुझे आते हैं और काफ़ी बार मैं रिप्लाई भी करता हूँ, बट कई बार रिप्लाइज मेरे रह जाते हैं, कमेंट्स रह जाते हैं। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं इसी चीज़ के बारे में। सो सबसे पहली चीज, आप लोग मुझसे पूछते हो कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं, आप लोग मुझसे पूछते हो कि लैपटॉप कौन सा बढ़िया है या पीसी कौन सा बढ़िया है। सो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए लैपटॉप ज्यादा बढ़िया है या पीसी। कभी सोचा होगा आपने, सोचा होगा, कभी ना कभी माइंड में थोड़ा सा आया होगा। सो देखो, जितनी भी हैवी प्रोसेसिंग की चीज़ होती है, ऑडियो प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन मींस, और वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो की जितनी भी एडिटिंग वगैरह होती है, इनके लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो आपका डेस्कटॉप ही रहता है, मतलब पीसी ही रहता है। लैपटॉप, आप i7 लैपटॉप और i7 डेस्कटॉप को अगर कंपेयर करोगे, सो i7 दोनों होंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन जो पीसी या डेस्कटॉप है वो आपका हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा लैपटॉप से। लैपटॉप आपके उस यूज़ के लिए होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो, सो आप वो चीज़ें साथ में लेकर जा सकते हो और थोड़े टाइम के लिए लैपटॉप पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, किसी को दिखाना है, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन में कर रहे हो, ट्रैक्स वगैरह बनाते हो, आप किसी का ट्रैक बना रहे हो जहाँ पर आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है बाहर, सो आप उस केस में लैपटॉप लेके जा सकते हो, क्योंकि आप डेस्कटॉप लेके नहीं जा पाओगे। सो लैपटॉप आप लेके जा सकते हो और उस पर दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स कि मैंने ऐसे करा है, इस चीज के लिए लैपटॉप होता है। अगर आप सोच रहे हो कि लैपटॉप पे ही आप म्यूजिक प्रोडक्शन करो, सो देखो हो चीज जाती है, बट एक जो डेस्कटॉप परफॉर्म करेगा, आप मेरी बात अच्छे से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप पे नहीं हो सकती, लैपटॉप पे होती है, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे i7 7th generation लैपटॉप को i7 7th generation डेस्कटॉप को, सो डेस्कटॉप जो है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा हमेशा ही, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आपका ऑडियो हो या वीडियो, जो भी आप बोल सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखना कि अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो कोशिश करना कि आप डेस्कटॉप या पीसी ही लो, लैपटॉप मत लो। और अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ट्रेवल करना पड़ता है, सो आप लैपटॉप की तरफ उस केस में जा सकते हो। अब सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं मुझसे कि सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होनी चाहिए। सो देखो यार, जितना अच्छा से अच्छा आप लोगे, हायर कॉन्फ़िगरेशन लोगे, सो वो आपके लिए अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा काम i3 में हो जाएगा, i5 में हो जाएगा, i7 में हो जाएगा, नहीं, लालच इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है। सेम ऐसा इसमें है, आप ट्रैक कोई बनाओगे, आप सिंथ ऐड करते रहोगे उसमें, आप यूज़ नहीं कर रहे तब भी उसमें पड़े हैं, बट प्रोजेक्ट आपका हैवी हो रहा है। जैसे जैसे आप i3 पे होगे, आप i5 पे अगर आओगे, सो आपके जो है उसमें सेंस वगैरह आप ज़्यादा ऐड करोगे, ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि वो हैंडल कर लेगा, इसलिए आप ज़्यादा उसमें ऐड करोगे। सो इसी टाइप से जितनी अच्छी से ज़्यादा आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छा लोगे, सो वो आपके लिए अच्छा है। अब डिपेंड करता है ये आपके बजट पे, अब आपका बजट है 40,000 और आपको चाहिए i7, सो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सो आप बजट मत देखो। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको बजट में लेना है, सो आप उस बजट के हिसाब से देखो कि कौन सा आपके बजट में फिट है। ये मत सोचना 40,000 बजट है और यार i7 चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सो वो पॉसिबल नहीं होगा और आप सोच सोच के परेशान होते रहोगे, टेंशन में आओगे, कोई फायदा नहीं होगा। सो बेस्ट अगर बात करें लैपटॉप या डेस्कटॉप की, मैं तो हमेशा डेस्कटॉप रिकमेंड करता हूँ। सो हायर कॉन्फ़िगरेशन में अगर बात करते हैं तो i7 9th generation वैसे चल रहा है, आप 8th generation भी ले सकते हो, 16 GB रैम मिनिमम, और उसके बाद आप 32 भी ले सकते हो। देन एक और चीज़ आती है SSD,
आपने सुना होगा कि SSD से क्या होता है, SSD काफ़ी फास्ट होती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। सो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 120 GB या 250 GB की SSD लगवा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ होती हैं उस पर चलती हैं, और बाकी हार्ड ड्राइव लगाते हैं जिसमें उनके सैम्पल पैक्स वगैरह पड़े होते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो सो SSD आप मिनिमम 1 TB लगवाओ, क्योंकि आप उस पर विंडो भी इंस्टॉल करना प्लस जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर आप उसमें डालोगे वो प्रोजेक्ट्स, सो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार ही आपको इन्वेस्ट करना है, सालों साल चीज़ें चलती हैं, ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती हैं। और SSD तो मैंने आपको बता दिया, देन आप उसमें हार्ड ड्राइव तो एक लगाओगे, 4 TB की आप या 2 TB लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सैम्पल पैक्स पे, आपकी लाइब्रेरीज पे। और ग्राफिक कार्ड की अगर बात करें तो ग्राफिक कार्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है म्यूजिक प्रोडक्शन में, बिकॉज ग्राफिक कार्ड मेनली होता है ग्राफिक्स के लिए, और हमारे को वीडियो एडिटिंग इतनी नहीं करनी होती है, सिर्फ म्यूजिक का काम होता है। सो हमें ये नहीं है कि 4 GB 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, हमें ग्राफिक कार्ड ज़्यादा हायर नहीं चाहिए। अगर आप लगवाओगे सो आप लगवा सकते हो, लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं, आप बेसिक ले सकते हो, आप 1 GB 2 GB तक ले सकते हो, 2 GB भी सफिशियंट रहेगा, इनफैक्ट आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा, काफ़ी रहेगा। 2 GB से ज़्यादा का आप मत लगवाओ, क्योंकि जो डॉ के ग्राफिक्स है वो अच्छे से GUI को हैंडल कर लेगा, बाकी इससे ज्यादा ग्राफिक कार्ड लगवाने की जरूरत नहीं है। अब ये सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बता दी कि सबसे अच्छी क्या है, अब आप मुझसे पूछोगे कि मेरे सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि मैं 3 सिस्टम्स मेनली यूज करता हूं, वैसे मेरे पास 2 लैपटॉप और भी है, 5 हैं, बट फिर भी एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, आप देख सकते हो शायद यहाँ पे एक ये लैपटॉप पड़ा है, एक इसके नीचे लैपटॉप पड़ा है। सो ये 3 चीजें हैं, 2 लैपटॉप और ये डेस्कटॉप मैं मेनली यूज करता हूँ। जो मेरा डेस्कटॉप है उसमें है i5 प्रोसेसर, 4th जनरेशन है या 3rd जनरेशन है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, प्लस 10 GB रैम है। अब आप कहोगे कि 10 GB रैम कैसे हुई, सो 10 GB रैम ऐसे हुई कि मैंने एक 8 GB की लगा रखी है और एक मैंने 2 GB की लगा रखी है, सो दोनों को मिला के वो 10 GB बन जाती है। प्लस इसमें SSD लगी हुई है 128 GB की, और बाकी इसमें 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब बात करते हैं अपने लैपटॉप की। सो ये वाला जो मेरा लैपटॉप है, ये i3 प्रोसेसर है, 7th जनरेशन है, 4 GB रैम है, आप स्क्रीनशॉट इसका भी देख सकते हो सामने स्क्रीन पे, और इसमें SSD नहीं है, इसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव है 1 TB की, और ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है। एक चीज मैं और बताना भूल गया, मेरे डेस्कटॉप में भी ग्राफिक कार्ड है 2 GB NVIDIA का। देन बात करते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की, जो कि है ये वाला। सो ये वाला लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। Core 2 Duo प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, प्लस इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव लगी हुई है। सो गाइज, आपने मेरे तीनों सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन तो देख ली। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कई बार लोग राइजन के बारे में भी, AMD राइजन के बारे में भी सोचते हैं कि हम AMD लें या ना लें। मत लो, मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है वहाँ पे नीचे जो कि AMD है, बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करता, बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, इंटेल ही बेस्ट है। एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है जो आप लोग पूछते नहीं हो, उसका आंसर मैं आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि AMD या इंटेल। सो इंटेल पे जाना, AMD पे मत जाना। AMD आपको जितना भी सस्ता मिल जाए, जितना भी पावरफुल मिल जाए, बट जो पावरफुल मेन है असल में वो है इंटेल। सो इंटेल की तरफ जाना, AMD की तरफ मत जाना। और एक और लैपटॉप है, वो डुअल कोर है, वो भी अब चलता है, बट डुअल कोर है, मैं इतना यूज़ नहीं करता, 2 GB उसके अंदर रैम है। सो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थी, क्वेरीज थी, वो सारी इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी, और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप, और क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको लेनी चाहिए। आपके बजट पे डिपेंड करता है, अगर आपका बजट नहीं है इन द सेंस कि आप पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, सो मैंने आपको बता दिया हायर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आप जा सकते हो। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। सो आज के लिए तही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।